अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है, एक्सरसाइज 1.3, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है। ठीक है, एक्स रेज टू पावर 2/3 प्लस 54 इक्वल टू 15 एक्स रेज टू पावर 1/3। अब इनको पहले आपने ना अरेंज करना है, हमारे पास राइट साइड पे 0 होना चाहिए। यहाँ आपका प्लस 15 एक्स 1/3 है, इक्वल की तरफ आगे माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब अरेंज करेंगे, पहले हमारे पास वो टर्म लिखेंगे एक्स वाली है, कांस्टेंट यानी आपकी लास्ट पे आएगी, एक्स की 2/3 माइनस 15 एक्स की पावर 1/3 प्लस 54 इक्वल टू 0। इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना है। ठीक है, अब यहां से आपने एक्स की पावर 2/3 और एक्स की पावर 1/3 आपने उस पावर को एड करना है कि जो हमारे पास एक्स की जो पावर है छोटी होगी, तो यहाँ हमारे पास 2/3 पे डिवाइड करेंगे तो ये पावर बढ़ी आ रही, ये पावर हमारे पास छोटी आएगी। ठीक है, इसको हम जब लेट करेंगे कि x की 1/3 इक्वल टू y, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे रहे हैं। अब आपने यहाँ पे x की 1/3 वहां y पुट करना है इक्वेशन 1 के अंदर। अब यहाँ x की 2/3 भी है, इसके लिए फिर आपने स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करना है, x की 1/3 का स्क्वेयर y का स्क्वेयर, अब 2 1 2/3 आएगा और ये y स्क्वेयर बन गया, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम देना है आपने। ठीक है, अब आपने इक्वेशन नंबर 2/3 का यूज करना है 1 में। ठीक है, तो लिखना है इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स कि जहां पे आपका x की 1/3 होगा वहां पे y पुट करना है, जहां x की 2/3 वहां पे y का स्क्वायर पुट करना है। तो यहां फिर आएगा y का स्क्वायर माइनस 15 जहां x की 1/3 वहां आएगा प्लस 54 इक्वल 0। अब आपने फर्स्ट टर्म को लास्ट करें मल्टीप्लाई, आपका आएगा प्लस 54 y का स्क्वायर, दरमियान में आपका माइनस 15 वाले। अब आपने टू टर्म ऐसी फाइंड करनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 54 वाई का स्क्वायर आए, प्लस करें या माइनस माइनस 15 वाई आए, ये होंगे माइनस 9 वाई और माइनस 6 वाई, इन दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस 15 वाई हो जाएगा। अब करें मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 6 54 वाई टू वाई वाई स्क्वायर। ठीक है, तो फर्स्ट और लास्ट वैसी की वैसी आ जाएगी और दरमियान में आपके टू टर्म आएंगे एक बजाय। ठीक है, अब आपने 1 2 3 4 4 टर्म्स हैं, फर्स्ट टू में कॉमन निकाले, लास्ट टू में कॉमन निकाले। अब यहाँ भी आपका वाई है, यहाँ भी है, वाई कॉमन आ गया इनटू, अब वाई टू है ना, तो वाई आपका रह जाएगा अंदर माइनस, ये वाई पहली बाहर आ चुका है, 9 आएगा माइनस। अब इन दोनों में कॉमन क्या होगा, यहाँ आपका वाई है वहां वाई नहीं है, फिर आपने देखना है 6 को और 54 को हम किस एक नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, वो आपका 6 है इनटू वाई आ गया बाहर, चूंकि आपका साइन माइनस का है, अंदर में साइन चेंज हो जाएगी, प्लस है माइनस हो जाएगा। अब 54 को आपने 6 से डिवाइड करना है, 6 9 54 0। अब ये और ये आपके सेम है, कॉमन देना है इनको आपने, और बाकी y माइनस 6 0 आएगा। अब यहां से निकाले y की वैल्यू, इसको पुट करें 0, इसको अलग से पुट करें 0, तो यहाँ आपका y माइनस 9 0, y माइनस 6 0, तो यहाँ आपका 9 माइनस समान है प्लस हो जाएगा, यहाँ आपका 6 माइनस समान है प्लस हो जाएगा, एक कुछ तरह का प्लस हो जाएगा आपका। अब ये हमारा आंसर आ गया है y वेरिएबल में। अब आपका जो क्वेश्चन गिवन था वो x की फॉर्म में था, अब आपने x की फॉर्म में आंसर लाने के लिए इनको पुट करना है जहां जिसको हमने लेट किया हुआ है। ठीक है, कि जहां पे y है वहां हम 9 पुट करेंगे, फिर 6 पुट करेंगे। पुट y = 9 इन इक्वेशन नंबर 2, x की बार नंबर 3 = 9। अब यहाँ आपने x फाइंड करना है, यहाँ आपने ये क्यूब रूट खत्म करना है, तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, यानी आपने पावर 3 लेनी है दोनों तरफ, x की 1/3 रेज टू पावर 3 9 का क्यूब। अब ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा, अब 9 को आपने 3 टाइम करना मल्टीप्लाई, 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, तो आएगा 729। अब ऐसे ही आपने पुट करना है y = 6 इन इक्वेशन नंबर 2, x की 1/3 यहाँ पे आपका इक्वेशन नंबर 2 में y वहां 6 पुट कर देंगे। अब यहाँ पे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, तो x की 1/3 का क्यूब इज इक्वल 6 का क्यूब, ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6 को आपने 3 टाइम करना मल्टीप्लाई, 6 × 6 × 6 तो आएगा 216, तो यही आपका आंसर होगा। दस सॉल्यूशन सेट इज जो आप x के आंसर लिख देंगे 729 एंड 216। उसके बाद अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 से जो ऑनवर्ड है ना, आप क्वेश्चन नंबर जो 5 ऑफ टाइप नंबर 1 थी, टाइप नंबर 2 अब स्टार्ट होने लगी है। इसमें हमारे पास क्या है कि a px + b / px = c, कि हमारे पास
जो टर्म आपकी एक्स वाली होगी वो रेसिप्रोकल में भी आपकी होगी, यानी कि ओवर के नीचे भी होगी आपकी, ठीक है, और इक्वल टू कांस्टेंट होगा। अब ये हमारे पास टाइप नंबर टू है। अब क्वेश्चन नंबर सिक्स दिया है 2x^2 + 1 + 3/2x^+1=4। अब यही टर्म आपके ओवर में दी हुई है, ठीक है, और यहाँ पर कांस्टेंट आ गया राइट साइड पर, इसको इक्वेशन में बराबर आ गई है। अब आप लैंड करना है इसको इक्वल टू y, के 2x^2 + 1=y है, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें, इक्वेशन 1 भी काम दे, जहां पे 2x^2 + 1 है वहां पे y पुट कर दो, आएगा y + 3/y = 4। अब यहां से आपने y फिनिश करना है जी, मल्टीप्लाई बाय एलसीएम y, कि y से आपने मल्टीप्लाई करना है जी, तो y * y 3/y * y 4/y। अब यहां हमारे पास y और y आपस में सेम है, कैंसिल, तो y² y² + 3 = 4y, y² + 3 यहाँ आपका +4 है, तरह का आंसर देगा y² फिर y वाली फिर कांस्टेंट = 0। अब करें जरा इनको मल्टीप्लाई, इनके फैक्टर बनाने हैं फर्स्ट को और लास्ट करें मल्टीप्लाई, आपका आएगा +3y² दरमियान में -4y। अब टू टर्म्स आपने ऐसी फाइंड करनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो आपका +3y² आए, प्लस करें या -4y आए, तो ये होगी -1y और -3y। अगर टू टर्म्स आपके नेगेटिव हैं इनको प्लस करेंगे साइन माइनस का आएगा तो -4 में बन जाएगा, अब करेंगे मल्टीप्लाई तो आपका ये 3y² बन जाएगा। अब फर्स्ट टू पे कॉमन निकालें, यहाँ भी आपका वाई है यहाँ भी है, वाई कॉमन आ गया इनटू यहाँ वाई भी 2 था, वाई के पास अंदर आ जाएगा माइनस के कम्प्लीट बाहर आ, वहाँ आपको 1 आ जाएगा, माइनस इन दोनों में कॉमन आपका 3 आएगा, y - 1 = 0। अब ये और ये सेम है, इनको आपने वन टाइम लिखना है, y - 3 = 0, y - 1 = 0, y - 3 = 0, तो y आपको = 1 आएगा, y = +3 आ जाएगा। अब आपने इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, y = 1 और y = 3, पुट y = 1 इन इक्वेशन नंबर 2, 2x² + 1 जहां पे y है वहां 1 पुट कर दिया। अब यहां आपका +y इस तरह का आंसर हो जाएगा, आप 2 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, 2x² = 0। आपने x फाइंड करना है, 2 यहां पर मल्टीप्लाई वहां डिवाइड हो जाएगा, x³ = 0 और 2 0 आएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, x² + 0 का 0 का 0 जाएगा, अब ये पावर 2 से स्क्वायर से कट के x = 0 आपको आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि पुट y = 3 इन इक्वेशन नंबर 2, 2x² + 1 = 3, अब यहां का +3 से मतलब माइनस हो जाएगा, अब 3 में से 1 -2, अब इस -2 को वहां शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, अब 2 यहां मल्टीप्लाई यहां डिवाइड होगा, तो यहां फिर आपका आएगा 2 1 = 2 और 2 1 = 2, 1 ओवर 1 को मान लेते हैं। अब यहां भी x² = 1, आप नेक्स्ट फाइंड करना है, यहां पावर 2 खत्म करें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो आपका आएगा x = +-1, तो यहां हमारे पास क्या होगा, दस सॉल्यूशन सेट इज 0 एंड +-1। अब इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है, 6 मैं करवा चुका हूं, क्वेश्चन नंबर 7 है और 8 है ये सेम है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपने 8 तक खुद करने हैं जी, ओके, लाफिज़।